हेलो व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दिन के एक बज रहे हैं, तो आज हम थोड़ा ब्लॉग लेट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज है संडे। कल तो हमने ब्लॉग शूट किया नहीं, तो आज कर रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं आउटडोर कुकिंग करने, घर से 2-3 किलोमीटर आगे। तो वो लोकेशन आप ब्लॉग में ही देखना। तो अभी चलते हैं शॉप पर, सीधा सामान वगैरह पैक करते हैं, बर्तन वगैरह उठाते हैं घर से, फिर सीधा चलते हैं वहाँ पर लोकेशन पर। तो गैस यहाँ पे हमने सामान पैक कर लिया है, यहाँ पे कैंपिंग के जितने भी गैस वगैरह है वो सब यहाँ पे ले लिए, और यहाँ पे खाने पीने का सामान। तो अभी चलते हैं आगे, और ये खाली बोतलें पड़ी हैं, इनमें पानी वगैरह भरते हैं, फिर सीधा चलते हैं लोकेशन। अभी हमने यहाँ पे पानी वगैरह भर लिया है, तो अभी हम निकल चुके हैं अपने लोकेशन पे, तो आपको सीधा वहाँ पे जाके मिलते हैं। गाइस अभी हम अपने लोकेशन पे पहुँच गए थे, और वहाँ पे थोड़ा सामान कम निकला, तो अभी दोबारा से जा रहे हैं घर वापस। तो जो बचा हुआ सामान उसको लेके आते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस हमने सामान ले लिया जो घर में रह गया था, यहाँ पे ये रख दिया। अभी यहाँ पे तेल और नमक घर में रह गया, तो ये ले लिया है। तो अभी चलते हैं, पानी तो हमने जाते टाइम भर लिया था, फिर वहाँ से लोकेशन पे पहुँच गए थे, फिर वहाँ से फिर दोबारा से वापस आ गए। वहाँ पे सामान चेक किया तो ये तेल और नमक नहीं था, तो अभी चलते हैं सीधा लोकेशन पे। तो गाइस फाइनली अभी हम अपनी लोकेशन पे पहुँच गए हैं, तो हम आपको पहले लोकेशन दिखाते हैं। तो ये रही लोकेशन, तो यहाँ पे ये साथ में सड़क है, फिर यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और इनको बीचों बीच यहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे। तो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखाई देता है। अभी चलते हैं आगे और बनाते कुछ खाने को। तो जो हमारे साथ तीसरा लड़का था वो हमने पहले ही भेज दिया था यहाँ पे सामान लेके, तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए थे, पर फिर बाद में हमने सामान चेक किया तो सामान थोड़ा कम निकला, तो उसको हम यहाँ पे ही बिठा गए थे। तो फिर घर जाके फिर दोबारा से सामान लाए, तो आपने वो देखा होगा। तो अभी चलते हैं आगे, यहाँ पे बनाते हैं कुछ खाने को, फिर दिखाते हैं आपको। अभी हम टमाटर प्याज काट रहे हैं, और यहाँ पे बाकी सामान यहाँ पे रख दिया हमने सब कुछ। यहाँ पे ये पानी की बोतल, और ये मैगी वगैरह जितने भी ग्लास वगैरह लाए हैं, और यहाँ पे ये है गैस की बोतल, और इसको अभी जलाते हैं। और बाकी तो ये है जिसमें हम बनाएंगे, तो पहले टमाटर प्याज काट लेते हैं, उसके बाद। प्याज तो काट लिए हैं, अब गैस को जलाते हैं, फिर तड़का वगैरह डालते हैं गैस में, तो पहले गैस जलाते हैं। हमने प्याज तो काट लिए, अब टमाटर काट रहे हैं, और यहाँ पे साथ में हमने आग भी जला ली है, तो अब इसको गैस को करते हैं और फिर तड़का वगैरह डालते हैं। तो गैस पहले इसको खोलते हैं, फिर लगाते हैं ये गैस वाली बोतल, फिर जलाते हैं इसको। ये काफ़ी दिनों से हमने यूज़ नहीं की, तो पता नहीं चलेगी या फिर नहीं, तो पहले इसको लगा लेते हैं। अब मेरे को पता भी नहीं है कैसे लगाते हैं इसको, यूज़ नहीं की तो अभी यहाँ पे लग भी नहीं रही है। तो गैस फाइनली हमने यहाँ पे इसको लगा दिया है, तो अभी इनको साइड कर लेते हैं, फिर आप जलाते हैं इसको। तो पहले इसको लगा लेते हैं, काफ़ी दिनों से यूज़ भी नहीं की, तो अब पता नहीं चलेगी या फिर नहीं। तो गैस यहाँ पे हमारे साथ बहुत बड़ा पॉपअप हो गया, यहाँ पे ये गैस ऑन ही नहीं हो रही, इसको हम काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हैं पर ये ऑन ही नहीं हो रही, और यहाँ पे जो इसका ये है ना गैस ऑन करने वाला, ये फ्री हो गया पूरा, तब ये तो जलेगी नहीं। काफ़ी देर से हम ट्राई कर रहे थे,
पर नहीं जलेगी। तो आग तो यहाँ पे हमने पहले से जला रखी थी, पर बर्तन नहीं है हमारे पास, बर्तन नहीं है तो इसमें तो बना नहीं सकते क्योंकि ये जल जाएगा काफ़ी। ये जो है ना ये काफ़ी पतला है तो इसमें बनेगी नहीं, तो अब देखते हैं, नहीं तो घर जाके फिर बर्तन ले आएंगे। तो वैसे हमारे साथ बहुत बड़ा पॉपट हो गया है, अब देखते हैं किसमें बनाते हैं। यहाँ से अंकल आके इनसे मांगते हैं बर्तन वगैरह, अगर देते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो घर जाके दोबारा से जाना पड़ेगा। पहले भी गए थे, पहले भी थोड़ा सामान छोड़ आए तो अब ये गैस ऑन ही नहीं हो रही। हमने घर में ट्राई की थी पर तब जल पड़ी थी, अब पता नहीं क्या हुआ घर में। दूसरा हमने दूसरा वो जो गैस वाला पहले से ओपन था ना तो वो यूज किया था तब तो जल पड़ी, पर अब ये नया वाला लगाया है तो अब ये जल नहीं रहा। तो गैस हम आगे बर्तन लेके अंकल जी ने दे दिया छोटा सा बर्तन यहाँ पे, तो इसमें बना रहे हैं मैगी। अभी तड़का वगैरह डाल दिया है और ये तो अब इसको पैक वगैरह करते हैं और घर में जाके करते हैं इसको गैस को ठीक, अगर होगी तो ठीक है नहीं तो फिर देख लेंगे। इसका जो ये है ना ये वाला गैस ऑन करने वाला ये फ्री हो गया है तो अब इसको घर जाके करते हैं। पहले तो इसको पैक वगैरह करते हैं फिर उसको, अब मिलते हैं आपको जब मैगी वगैरह बन जाएगी तो फिर दिखाते हैं आपको। तो गैस यहाँ पे अभी मैगी बन रही है और यहाँ पे मैंने सामान वगैरह पैक कर दिया है। मैं यहाँ पे ये सलाद लाए थे इसको काटते हैं फिर उसके बाद मैगी बन जाएगी तो फिर आपको दिखाते हैं। गैस मैंने सलाद वगैरह कट करके इसमें रख दिया है और बाकी जो जिसका यूज नहीं है वो इसमें डाल दिया है बैग में। तो बाकी ये थोड़ा तड़का हमने निकाल के इसमें रख दिया है क्योंकि वो बर्तन थोड़ा छोटा है, तो बर्तन छोटा है तो थोड़ा मैगी यहाँ पे भी डाल दिया है। अब इसको बनाएंगे फिर दिखाते हैं आपको। तो गैस यहाँ पे फाइनली हमारी मैगी बनके तैयार हो चुकी है, यहाँ पे इसमें निकाल रही हमने थोड़ी बना के, और थोड़ी मैगी और बच गई थी तो उसको बना रहे हैं अभी, क्योंकि बर्तन छोटा है तो थोड़ी थोड़ी बना रहे हैं। तो अभी ये थोड़ी तो बन गई है फिर थोड़ी अभी फिर से बना रहे हैं। गाइज यहाँ पे फाइनली हमारी मैगी बन के तैयार हो चुकी है, तो अभी मनीष भाई टेस्ट कर रहे हैं, तो मनीष भाई से पूछते हैं कैसी बनी है। भाई कैसी बनी है? भाई बहुत बढ़िया भाई, भाई ने बनाई खुद और भाई खुद ही टेस्ट कर रहे हैं, तो देखने से तो लगता है कि बहुत अच्छी बनी है, तो अब हम भी टेस्ट करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइज यहाँ पे फाइनली हमारी मैगी बन के तैयार हो चुकी है और ये है गीली वाली बनाई है हमने, दो प्रकार की मैगी बनाई, ये वाली गीली और ये वाली सूखी मैगी बनाई है। तो गाइज यहाँ जंगल के बीच में ठंडी ठंडी हवा में बहुत ही मजा आ रहा है मैगी खाने में, और चलो चलते हैं मस्त एंजॉय करते हैं। जा रहे हैं हम घर और यहाँ पे मैगी वगैरह बना के हमने खा के सीधा जा रहे हैं घर, और जितने भी हमने बर्तन वगैरह लिए थे बोतल वगैरह वो सब उठा लिए हैं, और जितने भी कागज वगैरह पड़े थे वो एक बैग में डाल के अब घर में डस्टबिन में डाल देंगे। और बहुत मज़ा है यहाँ पे जंगलों के बीच में, यहाँ पे पेड़ों के बीच में मैगी वगैरह बना के खा के। तो अब चलते हैं सीधा घर और इन बर्तनों को साफ वगैरह करते हैं, फिर अब हम नेक्स्ट टाइम कहीं और दूसरी लोकेशन पे कैंपिंग करेंगे टेंट वगैरह लगा के नाइट के लिए। तो अभी फिलहाल चलते हैं यहाँ से। तुम्हारी ये रही लोकेशन जहाँ पे हम आए थे कैंपिंग करने, यहाँ पे मेरे घर के आगे ही है, एक दो किलोमीटर आगे, तो यहाँ पे हमने सामने कैंपिंग की, आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं कैंपिंग करने तो यहाँ से जो चुवाड़ी हेलीपैड है उससे आगे 2 किलोमीटर आपको ये लोकेशन दिखाई देगी, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं कैंपिंग वगैरह करने नाइट के लिए भी और दिन के लिए भी। तो अभी चलते हैं हम घर और